हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड आप? चलिए फ्रेंड, आज बनाते हैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। बनाते हैं आलमंड कुकीज। ये है फ्रेंड हमारे पास बटर रूम टेम्परेचर, और ये है ब्रेकफास्ट शुगर, कस्टर्ड शुगर। आलमंड को चॉप कर लिया हमने, देखिए बारीक से। और ये है हमारे पास फ्लावर, मैदा, एग वाइट, और ये है इसमें बेकिंग पाउडर, साइड में सॉल्ट और वनीला एसेंस। इतनी सारी सामग्री हमें चाहिए, इतना सारा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये बटर हमने ले लिया और ये मशीन। चलिए इसको फटाफट फ्लॉफी करते हैं। बटर को स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं, जो साइड साइड में है उसको बीच में लाते हैं, देखिए ऐसे ही। और फिर दोबारा हम मशीन चलाते हैं, ये देखिए ऐसे ही। चलिए फ्रेंड, अभी इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ये देखिए ब्रेकफास्ट शुगर। इसको सारा मिक्स करना है और फिर फ्रेंड, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी कोई ज़रूरतमंद का वो है रेसिपी चाहिए उसको कुछ भी, तो शेयर कर सके आप भी उसको। और वीडियो पे बताइए हमें कमेंट करके कि आप कैसे वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हम वेट कर लिए इसको, अच्छे से फ्लॉपी हो गया, ये देखिए ऐसे ही। आप भी फ्लॉपी करके फिर बनाइए आराम से। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सारा मिक्स कर दिया। अब मशीन से हल्के हल्के एक बार दो बार मिक्स करना है, सारा मैदा उड़ जाएगा बाहर। ये देखिए मिक्स हो गया थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं, क्योंकि ये मशीन से नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से। ये देखिए हाथ से ऐसे हम मिक्स कर रहे हैं। और इसको मिक्स करके फिर अच्छे से बढ़िया बना लेना बैटर, उसको पूरा मिक्सचर को। ये देखिए जैसे बढ़िया से हल्के हाथ से सारा बन गया कुकीज का डो बढ़िया से। अब इसको हमें डीप में रखना है आधे घंटे के लिए, तो आधा पौना घंटा इसको डीप में रख देते हैं। ये देखिए ऐसे हो गया एकदम सॉफ्ट। चलिए डीप में डाल दिया हमने, ये देखिए। चलिए तब तक ट्रे ऑयलिंग कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए ट्रे में हल्का सा ऑयल लगाना है, फिर मैदा डस्ट करके फिर भी अभी इसमें कुकीज बनाएंगे। ये देखिए ऐसे फटाफट करके। चलिए अब इसमें मैदा डस्ट करते हैं, ये देखिए ऑयल लग गया पूरे पे। तो इसमें मैदा डस्ट करके फिर कुकीज बनाते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड, हो गया ये ट्रे भी हमारा। अब दिखाते हैं कुकीज बनाते हुए। ये देखिए अभी इसको हम वेट कर रहे हैं 50 ग्राम का, 15 ग्राम का एक एक पीस वेट करके सारा रख देते हैं, फिर उसके शेप देते हैं जिस तरह हमें बनाना है राउंड में। नीचे मैदा डस्ट कर दिया, ये देखिए। चलिए अभी सारा बना के दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए हमने सारा गोल करके बना दिया छोटे छोटे ख़त्म। और अभी इसको हमें जिस हिसाब से शेप देना है, ये देखिए हल्के हाथ से दबा देना है, गोल गोल कर देना है। इसके बाद इसको ट्रे में रखना है, ट्रे में रख के फिर बेकिंग करना है इसको। चलिए ये देखिए, तो ऐसे ऐसे हमें रख लेना सब रख ट्रे में। चलिए फ्रेंड, सब रख के दिखाता हूँ बना के। ये देखिए ऐसे से करना है। ये देखिए हमारा
चार पीस हो गया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड सब रख के और ट्रे में सेट करके बनाता हूँ फटाफट, फिर बेकिंग के लिए दिखाता हूँ बेकिंग का क्या प्रोसेस है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जितना ट्रे था हमने सब में बना के रख दिया है। अभी इसको बेकिंग करते हैं, ओवन में डालते हैं फटाफट। ये तो ये देखिए हम ओवन में डाल चुके हैं और इसको बेकिंग के लिए 15 मिनट बेक करना 160 पे 20% मॉइस्चर। अगर रेस्ले का कॉम्बी ओवन है तो ये देखिए फ्रेंड हमारा बन के तैयार हो गया। तो इसको भी टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए एकदम क्रंची और बढ़िया कुकीज है एकदम। चलिए इसको खाते हुए दिखाते हैं। ये देखिए तोड़ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।